कृष्णा मिशन ट्रस्ट की ओर से उदासीन आश्रम में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित स्वामी शरणानंद और विजय पासी ने बताया कि 2 नवंबर को स्वामी जी का जन्म दिवस आ रहा है। वो महामारी के चलते साधारण ढंग से मनाया जाएगा, जिसमें सत्संग एवं भंडारा भी करवाया जाता है, पर इस बार COVID-19 के चलते उक्त सत्संग एवं भंडारा कार्यक्रम स्थगित किया गया है। उन्होंने आश्रम में आने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह मास्क पहनकर आएं और सामाजिक दूरी बनाए रखने का ध्यान भी रखें। आज कृष्णा मिशन ट्रस्ट की उदासीन आश्रम में एक मीटिंग हुई स्वामी शरणानंद जी की अध्यक्षता में, क्योंकि स्वामी जी का 2 नवंबर को जन्मदिन हर साल हम मनाते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस किया गया। क्योंकि COVID-19 अभी बिल्कुल अच्छी तरह ठीक नहीं हुआ, तो उसके बारे में यही डिस्कस किया गया कि डिस्टेंस को रखते हुए स्वामी जी का जन्मदिन मनाया जाए और जो भी प्रसाद वगैरह है वो सूखा ही दिया जाए, ताकि लंगर वगैरह का आयोजन ना किया जाए। सभी मेंबरों की यही राय थी, तो हम सभी की यही डिसीज़न है कि 2 नवंबर को स्वामी जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन COVID-19 के रूल रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए ये सारा प्रोग्राम किया जाएगा। मेरी लोगों से प्रार्थना है कि उस दिन आए, लेकिन डिस्टेंस का जरूर ख्याल रखें और मास्क जरूर पहन के आए। मास्क के बगैर किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही हम सब आज प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा स्वामी जी को लंबी उम्र दे। इसी प्रकार स्वामी जी पठानकोट के लोगों का, वृंदावन के लोगों का, हिंदुस्तान के लोगों का मार्गदर्शन करते रहें और उनको धर्म के रास्ते पे चलाते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। आज यहाँ पर कृष्ण मिशन ट्रस्ट की ओर से एक मीटिंग हुई है, जिसमें प्रातः स्मरणीय स्वामी शरणानंद जी का जन्मदिन 2 नवंबर को होता है, और 2 नवंबर को हमारी इच्छा है कि भगवान में आस्था करते हुए कोई ऐसे तरीके से हम काम करें, क्योंकि कोविड का समय है, प्रसाद भी हम तरीके से बांटें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें और कोविड की बीमारी के जो संभव बचाव हैं उसका भी ध्यान रखें, और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो दिन हम बड़ी खुशी से मनाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि स्वामी जी की दीर्घायु हो और हमें अपने प्रवचनों द्वारा लाभान्वित करते रहें और हमारा मार्गदर्शन करें, धर्म के प्रति आस्था के बारे में हमें समझाएं, हमारा सत्संग के प्रति विवेक जगाएं और अपने आशीर्वाद द्वारा हमारा सबका उत्थान करें। धन्यवाद।